भारत देश में ऐसे कई बांध हैं जिनमें अपार जल का भंडार है। वैसे तो ये बांध देश के लिए बहुत ही लाभकारी है। इनसे बिजली उत्पादन, सिंचाई जैसे कई कार्य संपन्न होते हैं। इन बांधों के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी, लेकिन अगर ये बांध गलती से भी टूट जाए तो भारी तबाही ला सकते हैं। आज हम भारत के कुछ ऐसे ही बांधों के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे खतरनाक बांधों में माने जाते हैं। नंबर वन, उत्तराखंड का टिहरी बांध। उत्तराखंड का टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। ये भारत का सबसे ऊंचा और विशालकाय बांध है। ये भागीरथी नदी पर 260.5 मीटर की ऊंचाई पर बना है। ये माना जाता है जिस दिन यहाँ पर 9 mm तीव्रता का भूकंप आएगा उस दिन ये बांध टूट सकता है और इससे पूरा देश खतरे में आ सकता है। जब इस बांध का निर्माण हो रहा था तब ये सवाल सभी वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि अगर ये बांध टूटता है तो इससे क्या प्रभाव होगा। हर तरफ हो जाएगा पानी ही पानी। एक वैज्ञानिक ने अपनी किताब में लिखा कि अगर ये बांध टूटा तो इससे जो तबाही मचेगी उसकी कल्पना करना भी कठिन है। इस बांध के टूटने के बाद पूरा आर्यावर्त और उसकी सभ्यता नष्ट हो सकती है। इसके प्रभाव से पश्चिम बंगाल, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर में लगभग 8 से 10 मीटर तक पानी भर जाएगा। हरिद्वार और ऋषिकेश का तो नामो निशान तक नहीं रहेगा। नंबर टू, भाखड़ा नांगल बांध। ये बांध पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर पर बना बहुत बड़ा बांध है। यहाँ पर करीब 1300 मेगावाट बिजली का उत्पादन तो होता ही है और साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा के लगभग आधे से ज्यादा खेतों की सिंचाई होती है। अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि ये एक ही बांध है, लेकिन ये दो अलग अलग बांध है और ये एक दूसरे से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बने हुए हैं। इन दोनों बांधों का एक ही उद्देश्य है, दिखेगा तबाही का मंजर। भाखड़ा बांध कुछ ऊंचाई पर बना हुआ है और नांगल बांध थोड़ा कम ऊंचाई पर है। अगर किसी कारणवश भाखड़ा बांध टूट जाए तो इससे नांगल बांध उसका पानी संभाल लेगा, लेकिन अगर दोनों ही बांध टूट जाएंगे तो इससे आधे से ज्यादा पंजाब और हरियाणा में पानी बहकर पाकिस्तान चला जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं, सबसे बड़ी तबाही तो पाकिस्तान में आएगी। वहाँ के लाखों लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो सकते हैं।